हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबके स्मार्ट की रे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है डाउट क्लियरिंग सेशन। और तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो बेसिक हमारी ट्रिक्स होती है ना, वो सब देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिक। अगर ये सेशन आपने कंप्लीट कर लिया विद इन 30 सेकेंड, यू विल एबल टू सॉल्व, यू विल एबल टू गेन 5 मार्क्स विद इन 30 सेकेंड। इतना सिंपल चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके की भी क्वेश्चन है, ग्लिम्स है थोड़ा सा ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इसके कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं एग्जाम में किस पैटर्न पे आता है। आपको सिंपली दो इक्वेशंस गिवन होगी, सिंपली दो इक्वेशंस गिवन होगी, एक्स फॉर्म में और वाई फॉर्म में, है ना? ये एक्स फॉर्म में, ये वाई फॉर्म में। अब इसके दो रूट्स होंगे एक्स वन एंड एक्स टू, इसके दो रूट्स होंगे वाई वन एंड वाई टू, क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना होता है, कंपैरिजन। यू सिंपली हैव टू कंपेयर वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और जो भी है वाई इज लेस देन एक्स, है ना? वो सब भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो एक्स वन की वैल्यू है आपकी +5 और वाई एक्स टू की वैल्यू है आपकी +7। वाई वन की वैल्यू मान लो सपोज +1/2 वाई वन की, और वाई टू की वैल्यू मान लो सपोज +5/2। अब बताओ इस तरीके से कंपैरिजन करना होता है तो क्या होगा आंसर, एक्स इज, देखो एक्स +5 को कंपेयर करा, 5 इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, 7 को कंपेयर करा, 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, सिंपली एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है? इस तरीके से कंपैरिजन करना होता है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना? वो ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है जिससे कि जो हमारा एम है आज की वीडियो का, विद इन 30 सेकेंड आप 5 मार्क्स गेन कर लो, वो कंप्लीट हो सके। आई होप आपको बात क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है हमारी, इफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज सेम देन यू नो नीड टू डिवाइड। मतलब अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल्स टू जीरो, और इधर है ए वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों सेम है ना कोफिशियंट, तो बाद में रूट में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इफ कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मान लो इधर ये नेगेटिव होता, ठीक है, इधर मान लो ये भी नेगेटिव होता, तो आंसर क्या हो जाता, सिंपली सी एंड डी, यू कैन नॉट इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है? जो भी ऑप्शन हो, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट फैक्टर्स, ये दो हमारे हो गए। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट फैक्टर्स, यानी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू, नो नीड टू सॉल्व दी फुल इक्वेशन, नो नीड टू सॉल्व। देखो एग्जाम्पल कैसे, मान लो एक इक्वेशन आप पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो, ये एक्स की फॉर्म में, कोई एक इक्वेशन ले लो वाई की फॉर्म में, वाई स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, ठीक? अब देखो इसमें आपको क्या यूज करना है, मैंने क्या बताया, साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन कैसे यूज कर रहे हैं, अगर ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या है, ये एक्स का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्या हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, समझ में आ गया हमारी, हम इधर किसकी बात कर रहे हैं। तो आपके जो रूट्स होंगे ना, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सर ये 5 होगा ये 6 होगा, तो आपको सिंपली पता है इसके जो, इससे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव में आएगा, ठीक? अब इधर क्या है, माइनस प्लस, सॉरी इधर वाई होगा ना, माइनस प्लस, यानी इधर कोफिशियंट जो है वाई का वो क्या है, नेगेटिव है, और इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव, यानी आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आप वैसे सिंपली सॉल्व करोगे तब भी एक्स के कितने फैक्टर हो जाएंगे, अगर आप देखो तो भाई एक्स के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 और 3, 2 3 6 और 2 एंड 3 5, सॉल्व करने से भी यही आएगा। तो सिंपली आपने देखा एक्स इज लेस देन वाई, बताओ यहाँ से मुझे मिला नहीं मिला, तो आपने सिंपल ये देखना है कि दोनों एक्स का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म के साइन कैसे, ठीक है? अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपके जो रूट्स के साइन होंगे वो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है? याद करने का थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो प्लस प्लस ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से प्लस प्लस गया यहाँ से रिपीट, माइनस प्लस इधर रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस इधर रिपीट हो रहा है, इस तरीके से माइनस माइनस ये आपका फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ, ठीक है? आई होप आपको क्लियर है। ये कुछ बेसिक बातें और हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं,
सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए, सी इज योर कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मान लो ऐसा होता है दो रूट गिवेन होते, सपोज मान लो इधर हमारे रूट आ रहे थे माइनस फाइव और माइनस सिक्स, आपको बोल दी जाए दो रूट है आपके माइनस फाइव और माइनस सिक्स, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। You have to find quadratic equation. कैसे find करोगे? ये formula use करके x square minus, समझना, x square minus sum of roots. Sum of roots क्या होगा? Minus 6 minus 5 कितना होगा? Minus 11 x plus product of roots कितना होगा? Minus 5 into 6 plus 30 equals to 0. Clear? अब कितना हो जाएगा? x square plus 11x plus 30. I hope clear equals to 0. ये वही equation आ गई कि नहीं? कंपेयर करो, आप खुद कंपेयर करो, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बातें थी, अब मैं स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो टेस्ट जोन पे आपने जो मॉक दिया है तो वहां से हमने ये क्वेश्चन पिक करा है आरआरबी स्केल 1-3 से, ठीक है। तो इसे अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके और मुझे बताओ कितना टाइम लगा आपको, और फिर मेरी ट्रिक देखना, ठीक है। विद इन 3 सेकेंड्स यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चन। करा ट्राई, कोफिशियंट देख लो 14 और 6, फिर बाद में डिवाइड करोगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्किप करेंगे कि नहीं? अगर प्री में आप बैठे हैं, आप पे इतना टाइम नहीं है ना, तो आप स्किप करोगे, जबकि आपको स्किप नहीं करना है, ये डुएबल क्वेश्चन है विद इन 3 सेकेंड। देखो ठीक, कैसे साइन कैसे माइनस प्लस कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म का माइनस प्लस, तो यानी रूट्स के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। भाई एक्स के जो रूट्स होंगे उनके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं वाई के, इधर कोफिशियंट क्या है, प्लस प्लस, यानी वाई के जो कोफिशियंट होंगे उनके साइन कैसे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। बताओ क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों टर्म नेगेटिव नेगेटिव, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, यानी कौन सा ऑप्शन, बताओ क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें अपने डाउट्स भेजो, ठीक है। और बताना किस चैप्टर के हम आपको ट्रिक्स बताएं इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर। अब चलो अब इसे देखते हैं, ये हमने लिया एसबीआई पीओ प्री से जो मॉक टेस्ट दिया है आपने, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर इसकी ट्रिक बताइए ना, वैसे देखो इसकी और सिंपल ट्रिक हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव होता है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब भी ऐसा साइन होगा, अब आप कंपेयर कैसे करोगे, प्लस माइनस, मतलब प्लस मे बी इक्वल और मे बी ग्रेटर देन, मगर प्लस इससे तो बड़ा है, नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव एंड मे बी लेस देन और इक्वल टू। जब भी प्लस माइनस आएगा तो आंसर सी एंड डी, मगर इस तरीके से आपको इसमें नहीं करना था, और भी इजी ट्रिक है विद इन 1 सेकेंड। इसमें तो आपको कम से कम 3 सेकंड लगे ना, 1 सेकंड वाली ट्रिक क्या, दोनों इधर देखो ऑब्जर्व करो, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, जब भी दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होंगे सीधे आंसर क्या कर देना हमें, सी एंड, यानी ऑप्शन। दोनों मेथड आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, ठीक है, दोनों से हमारा आंसर सेम हो रहा है। याद रखना जब भी ऐसी केस बने, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या होता है उस केस में, सी एंड, क्योंकि आप कंपेयर कैसे करेंगे, ये आपका इससे छोटा है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, नेगेटिव वाला इससे छोटा है, पॉजिटिव से छोटा है, मगर इससे इक्वल हो सकता है या बराबर हो सकता है। इस केस में हमेशा नेगेटिव हो, सी एंड डी हो जाता है। और क्या केस होता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके के जितने भी केस होते हैं सब में सी एंड डी हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये आ गया रूट वाला आपका जिसका आप इंतजार कर रहे थे, एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट से लिया है, टेस्ट जो थी, ठीक। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, पहले खुद से ट्राई करना। सबसे पहली ट्रिक इसमें क्या लग रही है, सबसे पहली ट्रिक पता आपको क्या ऑब्जर्व करना है, कोफिशियंट सेम है, और जब कोफिशियंट सेम होता है तो आपको डिवाइड थोड़ा करना है भाई, डिवाइड नहीं करना था इसमें। अब लेकिन अब देखो आप करना क्या है, कि हमारा रूट में, तो जो भी रूट में है ना उसे कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो, इधर भी क्या 3, तो इधर भी कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो। अब आपको पता है माइनस प्लस है, तो रूट्स के साइन कैसे होंगे, दोनों में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसलिए आपको सॉल्व तो करना ही होगा ना, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यार नहीं देखना इधर कितना आ गया 50 ना, और इंटू 2 फैक्टराइज करने के लिए इधर कितना आ गया 30, इधर कितना आया
28, इधर कितना है 2, यानी इधर हमें फैक्टर किसके करने 50, इसके फैक्टर करें 5 और 6, इसके फैक्टर करें 7, 8, बनाना क्या है 11, यानी क्या होगा प्लस 5, आपको कहोगे प्लस 6, आपको कहोगे कि सर रूट 3 का क्या हुआ। अब इसके संग लिख दो, सिंपली सिंपली इसके संग अटैच कर दो, बात खत्म। यही सेम काम इसमें करो, माइनस प्लस है यानी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो क्या होगा 7 7 और प्लस होगा 8। अब रूट में क्या था 3, जिसे आपने डिवाइड करा था ना उसे इधर साथ में लिख दो मल्टीप्लाई। अब देखो 5 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, और 6 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, यानी आंसर क्या होगा x इज लेस देन y, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इधर। बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं, पॉइंट वाला भी आने वाला है, चिंता मत करो, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना प्लस माइनस 18 कर देते, जबकि ऐसा नहीं करना है। देखो जितनी पावर होती है ना उतनी वैल्यूज होती है, ये बात याद रखना, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज होती है। इधर एक्स की कितनी पावर है 1, तो यानी एक्स इक्वल्स टू आपको सिंपल क्या करना है इक्वल्स टू प्लस 18, सही है ना। इधर वाई इक्वल्स टू क्या करना है प्लस माइनस 18, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, क्लियर है। सॉल्व करके यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, भाई प्लस 18 भी हो सकता है ना, यानी कौन सा ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, ठीक है। आरआरबी स्केल 1-3 का क्वेश्चन था, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब वही क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था, और ये एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट से लिया। अब देखो करना क्या है ना, इसमें कुछ ट्रिक है आपको, सबसे पहले तो ये फॉलो करनी है ट्रिक, क्या इंटू 10 कर देना है, और इसमें पूरे में इंटू 100 क्यों करा हमने, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 2 आए, जितना मैक्सिमम होता है पॉइंट के बाद, तो यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी 10x² माइनस 61x प्लस 91 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करें कितने हो जाएगी 100y² माइनस 790, अब इधर क्या होगा 790y प्लस क्या होगा 155, चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, 91 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा इधर 37, और 10 के 5 और 2 यानी कितना हो गया 13 2 26 और 35, यानी अब देखो माइनस प्लस यानी फैक्टर कितने आएंगे, कैसे आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे ना, यानी प्लस कितना आएगा प्लस 26 और 35, और जिससे डिवाइड जिससे मल्टीप्लाई करा था ना पहले आपने उससे डिवाइड कर दो लास्ट में, यानी फैक्टर आ गया प्लस 2.6 प्लस 3.5, क्लियर है ये बात, प्लस 2.6 प्लस 3.5, बात क्लियर है। इसी तरीके के हम इससे वेक्टर करेंगे, कैसे 14 से मुझे दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा 111, और ये आपको पता है ये कितना होता है 3 × 37, यानी फैक्टर कितने हुए 42 और 37 कितने हो गए, अब इंटू 100 कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 420, बाद में 100 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, प्लस 420 प्लस 3.7 प्लस 3.7 और प्लस 4.2, बताओ क्लियर है क्या ये बात। अब कंपेयर करो 2.6 भाई इससे भी छोटा है इससे भी छोटा, और 3.5 इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा एक्स इज लेस देन वाई, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा। डुएबल क्वेश्चन था कि नहीं था, डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी असिस्टेंट 3 के मॉक टेस्ट से लिया गया, ठीक है। जब भी ये कंडीशन दिखे सीधे कर देना बिना सोचे एक्स इक्वल्स टू 11, अगर आप है ना एक्स इक्वल्स टू 11, अगर एक्स की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन में, वो प्लस 11 ही है, जब तो ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, समझ पा रहे हो ग्राफ में जब हम प्लॉट करते। अच्छा ये आपको इसके डेरिवेशन वगैरह चाहते हो कि सर एक और डिटेल में बताओ, और अगर आप चाहते हो कि सर रूट्स वाले क्वेश्चन और कराइए इसमें रूट्स में और, तो कमेंट करके हमें बताना जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। वाई इक्वल्स टू क्या है, अब ए की वैल्यू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 11, अब जब दोनों की वैल्यू प्लस 11 है तो आंसर क्या होगा एक्स इक्वल्स टू वाई, और रिलेशनशिप कांट बी स्टेप, राइट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस प्लस, माइनस प्लस यानी फैक्टर होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर है। आरआरबी स्केल 1-3 के मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है ना, ये देखते जाना लेवल देखते जाना आप,
72 को फैक्टर करो, 72 के फैक्टर कर ले, 9 इंटू 8 मत करना, 12 और 6, यानी वैल्यू आ गई प्लस 12 एंड प्लस 6, ये रूट्स आ गए x, x के रूट्स आ गए। इसके देखो इधर क्या करोगे, 15 और 6 नहीं 18 5 है, यानी प्लस 18 और इधर क्या होगा प्लस 5, ये y के फैक्टर होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, 6 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और 12 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी क्या होगा आंसर, सी एंड डी होगा, नहीं होगा ई ऑप्शन, बताए क्लियर है? ठीक है, ये होमवर्क में भी कर दे सकता था मैं आपको, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव पॉजिटिव यानी फैक्टर्स दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे आपको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं भाई। 42 के फैक्टर्स 7 और 6, तो प्लस 7 और प्लस 6 इधर कर लेते हैं, 6 और 8 इजी है, 6 और 8। अब एक बात बताओ, 6 होगा फिर 7 होगा फिर 8 होगा, कंपेयर करो, 6 इक्वल है इधर, इधर लेसर है, और 7 को कंपेयर करो, इससे ग्रेटर है इससे स्मॉलर, आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, ऐसा नहीं है ना, तो फिर आंसर क्या होगा, x इक्वल टू y। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे करो, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव, और जब भी नेगेटिव नेगेटिव होता है हम क्या लेते हैं, फैक्टर्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पे नेगेटिव नेगेटिव, ये फैक्टर्स आ गए, यानी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ग्रेटर है दोनों से, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के बारे में हमें नहीं पता ना, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इजी है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो, यानी 3 और 4, और ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस 1 हो, तो क्या करोगे, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ये तो होगा। अब बात ये आती है सर, इधर पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान से सुनना ये बात, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो भाई जो फैक्टर आएगा इधर प्लस 4 होगा, जो नंबर बड़ा होगा ना वही रूट होगा पॉजिटिव रूट, और नेगेटिव रूट कौन सा होगा जो स्मॉलर नंबर होगा। ये तो इजी है आपका, 11 इंटू 3, इसको फैक्टराइज करो, 11 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा, 9 9 11 और 9 20 होगा, और डिवाइड करना है हमें किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस 3, ये कितना है माइनस 11 बाय 3। अभी माइनस 3 यानी हमारा क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, क्योंकि ये आपकी वैल्यू कितनी है अप्रोक्स 3.66 है ना, माइनस 3.66, क्लियर है, माइनस 3.66, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, इतना क्लियर है, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आरआरबी असिस्टेंट प्री के मॉक टेस्ट से लिया हमने, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चन खुद से करिएगा, और फिर आप ये देखिएगा ट्रिक, क्या 30 सेकंड में कर पाओगे नहीं कर पाओगे साइन कन्वर्जन से, और रूट वाले या किसी भी आपको चाहिए क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी है तो हमें कमेंट करो, लाइक करो, आप टेलीग्राम पे बता सकते अपना फिर, ठीक। अच्छा 64 है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, 64 है तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 13, बाद में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 3 प्लस 3, वाई की वैल्यू तो इजी है, कितना हो जाएगा, 9 2 5, कितना हो गया प्लस माइनस 23, प्लस माइनस 23 और पॉजिटिव 3, आंसर कितना हो गया, क्या हो गया सी है, बताया वो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ओके। चलिए दोस्तों फिर आज के सेशन में इतना रखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी आपका फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, वहां पे जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस।